हेलो एवरीवन, मैं आभा, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज तो कोई ना संडे है। बस मैं आपको आज ऊपर अपने रूफटॉप गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि बारिश कल बहुत ज़्यादा हुई है हमारे यहाँ, बहुत दिनों बाद, और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है। हालांकि मुझे बहुत सारा नुकसान भी हुआ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या पहले नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, इतनी ज़्यादा कल हवाएं थी शाम के टाइम, और ये वाला जो प्लांट है ना मेरा, बोगनविलिया का बोनसाई वाला, ये देखिए ये पूरा जड़ से बाहर निकल गया है फ्रेंड। और मेरा बहुत सुंदर प्लांट था, लेकिन इस प्लांट में मैं इसे बचा लूँगी। इसके ऊपर यहाँ तक मैं इसमें सॉइल फिलअप करने वाली हूँ। सॉइल फिलअप करके मैं इस प्लांट को स्टेबल कर लूँगी। पूरा प्लांट देखिए जड़ से उखड़ के आ गया है, तो सोच लीजिए हवाएं कितनी तेज़ होंगी। और सबसे जो मेरा इम्पॉर्टेंट काम था, ये आपको दिखाती हूँ मैं, ग्रीन नेट का। मेरे जो ग्रीन नेट की कंडीशन क्या है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से पूरा ग्रीन नेट फट कर नीचे गिर गया है, और नीचे गिर गया था रात के ही। और पूरा मेरा जो यहाँ पे देखिए, नीचे अडेनियम की ग्राफ्टेड प्लांट रखी हुई है, तो दो तीन प्लांट मेरा डैमेज हुआ है, उसको मैंने भी थोड़ा सा ट्रिम प्रून करके रख दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी देखिए नेट थी, नीचे पूरा यहाँ तक झुक चुकी थी। रात के 11 बजे मैंने आके मतलब इसे पूरा फिर से अरेंज किया मेरे हस्बैंड ने। और ये देखिए इस तरीके से अभी टेम्परेरी मैंने अभी यहाँ पे सेटअप किया है। 15 दिन बस मैं इस नेट को लगे रहने दूँगी, उसके बाद फिर मैं इस नेट को निकालने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो मानसून है प्रॉपर रूप से नहीं आया है। ये तो सिर्फ चक्रवात वाला मानसून था, तो देख लेते हैं कैसे मतलब रहेगा, उसी हिसाब से मैं ग्रीन नेट को अब निकालूंगी। क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लांट को रिलीफ तो मिलता था सन लाइट से, लेकिन नुकसान भी हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवाएं होती है ना कि ग्रीन नेट के ऊपर मैंने देखे इस तरीके से ऊपर से आपको दिखाती हूँ, रस्सी लगा के रखा है, तो इतना उसे वो बचा लेता है क्या कि ऊपर ना ले जा पाए। और इधर से ये वाला जो ग्रीन नेट है ना, ये भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इधर से जो ये वाला पोर्शन है ग्रीन नेट का, ये भी कल पूरा टूट के बाहर आ गया था। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा निकल गया था, तो बहुत मेहनत से अरेंज करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, यानी इंसान को हर सीज़न में ये तकलीफ़ होती है। गर्मी ज़्यादा है तो नेट लगाना है, बरसात ज़्यादा है तो प्लांट को बचाना है, ठंडी ज़्यादा है तो कोहरे से बचाना है, तो इतना तो प्लांट को सरवाइव करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी काम से मुझे अच्छा लगता है, गार्डन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाटरिंग मैंने बिल्कुल, कल रात के बहुत ज़्यादा बारिश थी तो मैंने वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं किया, और आज भी मैं बहुत रिलीफ हूँ, क्योंकि आज भी मुझे वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि वेदर देखिए हमारे यहाँ का बहुत सुहाना है, और मॉर्निंग के 7 बजे हुए हैं। और प्लांट की कंडीशन क्या क्या है मैं ये दिखाती हूँ। ये जो प्लांट है ना मटकी पे लगा हुआ, इसे मैंने पूरा प्रून कर दिया है, क्योंकि मिली बग का बहुत ही ज़्यादा इस प्लांट पर अटैक था। ट्रिमिंग से मतलब इंसेक्टिसाइड डालने से नहीं होता, तो मैंने इस प्लांट को पूरा प्रून कर दिया, और रेनी सीजन आ गया है तो फिर से ये ग्रोथ कर लेंगे। और एक प्लांट के सामने देखिए आपको पड़ा होगा, ये चंपा का है, पूरा टूट के निकल गया है ये प्लांट, क्योंकि नेट पूरी झुक चुकी थी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, नेट पूरी झुक चुकी है और प्लांट टॉल हो रहा है, देखिए लंबा हो रहा है, तो ये पूरा इसे दबा दिया कल तूफान में, और सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं मेरे, ये देखिए। और सभी में थोड़ा सा मैंने अभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है, क्योंकि रोज़ प्लांट का मैंने ट्रीटमेंट किया है अभी। तो ये देखिए जो मैंने प्लांट रिपोर्ट किए हुए थे, सभी में बड्स बनना चालू हो गए हैं अडेनियम के, और प्लांट को इस बारिश से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है इस तरीके से। और ये दो प्लांट था मेरा मैच्योर हिबिस्कस का देसी, ये पूरा टूट गया, मतलब ये टूट के इस पोर्शन पे पूरा गिर गया था। मैंने इसे अभी थोड़ा सा उठाया है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पोर्शन जो है ना पूरा रूट से बाहर आ गया था, तो इसे भी मैंने अभी लगाया हुआ है। और अडेनियम में बहुत सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं, ये देखिए न्यू कलर है, और प्लांट कितना सुंदर देखिए ग्रीनिश से हो गए हैं एक ही बारिश से, बहुत ज़्यादा बारिश थी। और
मुझे ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि बारिश तो बहुत ज़्यादा ही थी, मेरे जितने भी वाटर टब थे लोटस के ना सभी फुल हो गए हैं, ओवरफ्लो हो गए हैं, इससे पता चलता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। ये देखिए पूरा ओवरफ्लो हो गया है और ये जो पानी गिरा है ना बारिश के लिए, लोटस के लिए और सारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। और सी बीट बोलना चाहिए एक तरीके से, जो गर्मी के बाद जो जस्ट बारिश होती है ना वो सी बीट का काम करती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये बिल्कुल देखना, ये देखिएगा एक दो दिन रिजल्ट बाद, मतलब एक दो दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आपको प्लांट में दिखने लगेगा, जो मेरे प्लांट है बिल्कुल हरे भरे से हो जाएंगे। और बोगनविले का दुख बहुत लग रहा है, इसे मैं मतलब बोनसाई का लुक दे रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम सही कर लेंगे। और ये देखिए, और ये वही बोगनविले है जिसकी कटिंग मैंने लगाई हुई थी। ये फोरपिया के देखिए पूरे कलर फेड हो गए हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। और मैं चलिए थोड़ा सा वाटर लिली दिखा देती हूँ आपको, ये वाला। तो इधर के सेशन में आते सारे टब देखिए बिल्कुल खाली थे, पूरे फूल हो गए हैं। और इधर ये देखिए, कल मैंने वीडियो डाला हुआ था माली का, तो देखिए आज भी ये ब्लूम हुआ है लेकिन थोड़ा सा फेड हो गया है क्योंकि कल फुल सनलाइट पे रखे हुए थे प्लांट। और इस टब को मैंने क्लीन किया है और ये वाला देखिए पूरा पानी जो है बिल्कुल बैठ गया है, तो इसे भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। और एक टब है जिसका फ्लावर ब्लूम होना था आज, शायद आज ये ब्लूम नहीं होगा लग रहा है, उसमें वाइट जैसा दिखता है, लेकिन चलो देखेंगे खुलेगा तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर मैं। तो बस फ्रेंड ये छोटी सी मतलब ओवरव्यू था, कोई आपको यहाँ का वेदर दिखाना चाह रही थी। अब बारिश मतलब बहुत अच्छे से यहाँ का वेदर है, ये देख लीजिए आप, हवाएं भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, मतलब ठंडी हवाएं। और इधर देखेंगे तो मोगरा प्लांट भी काफ़ी इंजॉय किया है पानी को, ये देखिए जिंदगी भी बर्ड्स आ चुकी है। और कुछ प्लांट है जिसे मुझे स्टेबल करना है अभी, एक दो काम जो प्लांट गिर गए थे कल। और इस तरीके से देखिए अगर अडेनियम में आपके पानी रुक गया है तो इसे ऐसे आप झड़ा लें अच्छे से, मैंने कल रात को ही थोड़ा सा झड़ा दिया था और मॉर्निंग है बिल्कुल सूख गए हैं ये, तो अडेनियम में भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और इधर देखिए ये वाले प्लांट, तो बस फ्रेंड्स इतना ही बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक में, और बहुत ही जल्दी देखिएगा मानसून आएगी इस तरीके से, तो आप लोग का भी गार्डन रिकवर हो जाएगा। और आपको दिखाती हूँ, देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, हमारे यहाँ जो खेत है ना सामने दिख रहा होगा आपको, देखिए उसमें पानी भर गया है पूरा, तो बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।